शंकर बिल्कुल तैयार है, अब देख। रियान जी, क्या खाओगे आज? आज हम खाएंगे कुछ चिकन में। चिकन में बताओ क्या खाओगे? चिकन में बनाओ चिकन कोरमा या फिर चिकन स्टू। अब आप बताओ क्या बनाओगे? स्टू बना लूं। ठीक है स्टू बना लो। आपको क्या खानी है? बिस्किट खाना है। ओके, बेटे को बिस्किट खाने है, पापा को खाना है चिकन स्टू। चलो चिकन स्टू बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम बनाना, ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। इसमें लगभग मैंने ऑयल डाला है एक कटोरी के आसपास, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्टू में ऑयल अच्छा लगता है। आप कम या ज्यादा अपने हिसाब से कर लेना। यहाँ पे जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होना स्टार्ट होगा, हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पे एक तेजपात का पत्ता ले लिया है, 7 से 8 काली मिर्च ले लिया, एक बड़ी इलायची, 3 लौंग और 1 चम्मच जीरा ले लिया है। इसको हम इसमें डाल देंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरी वीडियो आपके पास में पहले पहुंच जाए। जैसे ही ये हमारा मसाला थोड़ा चटकना शुरू होगा, हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखिए मेरा जो जीरा वगैरह है, मसाला मेरा चटकने लग गया है। यहाँ पे मैंने प्याज ले ली है, ये 3 बड़े साइज की प्याज है, इसको रफली चॉप कर लिया है। इस तरीके से हम इसमें डाल के प्याज को थोड़ा सा भून लेंगे, जब तक ये पिंकिश नहीं हो जाती, इसको ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा पिंक पिंक सा जो कलर आ जाता है ना प्याज को, हल्का सा जो ब्राउन ब्राउन सा होता है वो कलर लाना है हमें इसके ऊपर। ये देखिए प्याज यहाँ पे मेरी पिंकिश हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पे ये लाल मिर्च है जो कि साबुत लाल मिर्च मैंने लिया है, ये मोटी मिर्च है जो कि कश्मीरी मिर्च होती है, इसमें स्पाइसेस नहीं होती है, इसलिए मैं इसके बीच भी डाल रही हूँ। अगर आपके पास में स्पाइसी वाली है तो आप कम ही डालना, क्योंकि इसमें लाल मिर्च पाउडर का भी यूज करेंगे, ये ज्यादा स्पाइसी नहीं है, इसलिए मैंने 4 डाली है यहाँ पर। अगर आप जो है स्पाइसी हो आपकी तो 2 ही डालना, या फिर उसके बीज निकाल देना। अब हम इसमें अपना चिकन ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने लगभग 700 ग्राम के आसपास चिकन ले लिया, उसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसको चिकन को इसके साथ में फ्राई कर लेंगे, जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। यहाँ पे देखो चिकन का जो है कलर चेंज हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और फिर इसके साथ में भी इसको अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ में मैंने इसको भून लिया है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। ये मैंने यहाँ पे 4 टमाटर लिए थे, बहुत छोटे छोटे साइज के टमाटर हैं, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 4 टमाटर लिए 700 ग्राम चिकन में। आप यहाँ पे 2 टमाटर ले लेना अगर आपके पास में बड़े साइज के टमाटर हैं तो। अब इसको टमाटर के साथ में भी मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ में हम क्या करेंगे, यहीं पर ही हम अपने मसाले ऐड कर देंगे। मसालों में हमें यहाँ पे डालना है यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच आधा यहाँ पे हल्दी पाउडर है, आधा छोटा चम्मच ही यहाँ पे मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है और नमक 1 चम्मच लिया है। नमक मिर्च हमेशा अपने स्वाद के अनुसार डालना, आपके घर में कितनी खाई जाती है। इसके साथ साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे लगभग आधी कटोरी दही। दही के टाइम पर आपको उसको स्लो कर लेना है गैस को, इससे क्या होगा आपका दही फटेगा नहीं। अब इन सारे मसालों को भून लेना है, लेकिन अभी स्लो पे मिक्स करना है। स्लो पे मिक्स करने के बाद में फिर हाई फ्लेम पे भूनना है। अब यहाँ पे हम करेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद में फ्लेम को हमने हाई कर लिया है और हाई फ्लेम पे 102 मिनट के लिए भूनेंगे, जिससे कि हमारे मसाले जो है अपना जो टेस्ट है वो बिल्कुल छोड़ दे और जो दही का पानी है वो भी अलग हो जाए। फिर उसके बाद में हम इसमें पानी ऐड करेंगे चिकन गलाने के लिए। ये देखिए यहाँ पे इसे अपना ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया, अब इसकी भुनाई हो गई है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे देखो मैंने 1 कप पानी लिया है जो कि 150 ml है, लेकिन मैं इसका आधा ही डालूंगी। अगर आप उसमें बना रहे हैं, देखो मैंने इतना बचा लिया है, अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो बहुत ही कम डालना, एक प्रेशर में ही आपका जो है चिकन अच्छे से गल जाएगा। लेकिन मैं कढ़ाई में बना रही हूँ, इसलिए मुझे चिकन को गलाने के लिए, प्याज टमाटर को गलाने के लिए थोड़ा पानी का ज्यादा यूज करना पड़ा। अब हम क्या करेंगे, इसको ढककर 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर पकने देंगे, जिससे कि चिकन भी बहुत अच्छे से गल जाएगा और मसालों को बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा स्लो फ्लेम पर। ये देखिए यहाँ पे 15-16 मिनट हो गए हैं इसको स्लो फ्लेम पे पकते हुए।
अब हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे चिकन हमारा ऑलमोस्ट 90% तक गल गया होगा, क्योंकि चिकन जो है जल्दी गल जाता है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, फ्लेम को करेंगे हाई और इसमें हम ऐड करेंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। ये मेरा होममेड गरम मसाला है। अगर आप इसको आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, अदरवाइज मेरे चैनल पर आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। इसको मिक्स करके इसमें थोड़ा सा हम यहाँ पे हरा धनिया भी डाल लेंगे। अब इसकी अच्छे से हाई फ्लेम पे भुनाई कर लेंगे। ये देखिए 2-4 मिनट में ही इसकी अच्छे से भुनाई हो जाती है और इसने ऑयल सेपरेट करना शुरू कर दिया है और ये हमारा जो स्टू है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। अगर आपको इससे ज़्यादा इसमें ग्रेवी रखनी है, मतलब इससे ज़्यादा आपको पानी चाहिए, तो इसमें आप थोड़ा सा पानी मिला के 1-2 मिनट और पका सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मेरे लिए इतनी ही बहुत है। तो आप अगर बना रहे हैं और आपको ज़्यादा ग्रेवी, मतलब ज़्यादा पानी वाला, थोड़ा सा छोटा वाला चाहिए, तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से प्याज टमाटर इस तरीके से रहेंगे, इसको और ज़्यादा नहीं पकाना है प्याज टमाटर को, उससे क्या होगा प्याज जितनी मैश हो जाएगी वो स्टू का टेस्ट नहीं आएगा। तो स्टू में प्याज का ही सबसे मेन टेस्ट होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मेरा जो स्टू है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना। अब हम इसको डालेंगे हरा धनिया और इसको ढक के अपना 10 मिनट के लिए अब गैस को करेंगे बंद और 10 मिनट बाद इसको सर्व करेंगे। ये देखिए मेरा चिकन स्टू बनकर बिल्कुल तैयार है। अब देखते हैं हमारे शहजादे को कैसा लगता है। मुझे कहने की पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि मुझे खुद पता है आपको स्टू पसंद है और मेरे हाथ का स्टू आपको बहुत पसंद है। आप हमेशा बोलते भी हो इस चीज को। मुझे इससे अच्छी आइटम अभी तक शायद कोई लगी नहीं। यानी ऐसे तो नहीं बोलो सही है। कमेंट में जरूर बताना आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। अब हम लोग खाना खाते हैं और दुआओं में याद रखना।